दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अविरल वर्षा संग ही आई बाढ़। आ भूस्खलन से देश भर के जनजीवन प्रभावित। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड एकतरफी संचालन। नेकपा एमाले के केन्द्रीय कमिटी बैठक आज फेरू बैठहल। बैठक कुशेर में प्रधानमंत्री निवास बाल्यार में बैठी। कोविड विरुद्ध के खोप खरीद खातिर चीनिया कंपनी सिनोफार्म संगे नेपाल सरकार के समझौता। असार 24 गति से खोप आपूर्ति होती के जानकारी। अफ्रीकन मुलुक इथोपिया में भूखमरी के समस्या आ सके के संयुक्त राष्ट्र संघ के चेतावनी। मानवीय सहायता उपलब्ध करावेला राष्ट्र संघ के जोड़। और यूरो कप में आज क्वार्टर फाइनल के अंतिम दुगो खेल। पहला खेल में चेक रिपब्लिक आ डेनमार्क, दूसर में यूक्रेन आ इंग्लैंड के बीच भिड़ंत। आप पूरा समाचार। आज देश भर के मौसम सामान्य से पूर्ण बदली होके ज्यादातर जगह में बरखा जारी रहे के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौली बाटे। लगातार के बरखा संग ही आयल बाढ़ आ भूस्खलन के चलते देश भर के जनजीवन प्रभावित भइल बा। तराई भूभाग के नजदीक मानसूनी न्यूनचापीय रेखा भी रहल कारण बदली आ बरखा भइल ह। अभी प्रदेश नंबर 1-2 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ गंडकी प्रदेश में सामान्य से पूर्ण बदली आ बाकी प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली बाटे। प्रदेश 1-2 बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के ज्यादातर जगह आ बाकी प्रदेश के 1-2 जगह में बरखा हो रहल बा। दिन भर ही प्रदेश नंबर 1-2 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ गंडकी प्रदेश में सामान्य से पूर्ण बदली आ कर्णाली तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली रहे। वही लेखा रात के भी प्रदेश नंबर 1-2 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ गंडकी प्रदेश में सामान्य से पूर्ण बदली तथा कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में आंशिक से लेकर सामान्य बदली लागी। नदी आ खारी नदी सब में पानी के सतह बढ़ सके वाला आ दैनिक जीवन वही लिखा यातायात क्षेत्र प्रभावित हो सके वाला भैला से आवश्यक सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद सबके आग्रह बाटे। धादिंग के बेनीघाट रोरांग गांवपालिका वार्ड नंबर 10 सवांग नदी में गैल भूस्खलन में 5 गो सवारी साधन मुनेलाबाद 2 जने के मृत्यु भइल बा। ना 8 ख 45-40 नंबर के ट्रक में रहल चितवन के राप्ती नगरपालिका 6 के 18 बरिस के बिरबल प्रजा आ ना 7 ख 320 नंबर के कंटेनर में सवार भारत के 43 बरिस के सोनी देवी के मृत्यु भइल ह। प्रजा उहे ट्रक में मृत मिलल रहलन त सोनी के आज सवेरे इलाज के क्रम में गंडकी अस्पताल पोखरा में मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय धादिंग के इंस्पेक्टर रंजन अवाले जानकारी देहनी। वही लेखा गोरखा के सिरानचोक गांव पालिका 7 में भूस्खलन से घर मुनैलाबाद एक परिवार के 2 जने के मृत्यु भइल बा। कालू रात के भूस्खलन में मुना के 86 बरिस के रमन पांडिया 68 बरिस के नंद कुमारी पांडे के मृत्यु भइल ह। गांव पालिका अध्यक्ष राजू गुरुंग आज सवेरे 10 बजे और सबके बाहर निकालल गेल जानकारी देहनी। अवरुद्ध नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड एक तरफी रूप में संचालन में आयल बाटी। विभिन्न जगह में गिरल भूस्खलन के तीरे लगा के कुछ देर पहले से एक तरफी सड़क संचालन में लियाबल गेल मुगलिंग प्रहरी जनौले बा। भूस्खलन के कारण रुकल के बारी बारी करके गंतव्य में पिठावे के क्रम शुरू भइल बा। उही लेखा भूस्खलन के कारण हेटौड़ा से काठमांडू जाए वाला सड़क भी अवरुद्ध भइल बाटे। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक आज फेरू बैठ रहल बा। बैठक अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैठे लागल ह। इससे पहले सुख के प्रधानमंत्री निवास में बैठल केंद्रीय कमेटी बैठक से कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देवबा के प्रधानमंत्री बनावे खातिर हस्ताक्षर करे के इमाले सांसद सबके हस्ताक्षर फिरता लेवेला आह्वान कल गेल रहे। बैठक द्वारा हस्ताक्षर करे वाला माधु कुमार नेपाल पक्षधर सांसद सबके सोमवार के संझिया 5 बजे तक ले हस्ताक्षर फिरता लेवेला आग्रह कल गेल बा। पार्टी एकता के सुदृढ़ करे खातिर नेता कार्यकर्ता के आह्वान कल गेल। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप केवाली बतौले बानी। सरकार द्वारा कोविड विरुद्ध के खोप खरीद खातिर चीनिया कंपनी सिनोफार्म के साथ समझौता कल गेल बा।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण पौडेल द्वारा सुक्के संचिया विज्ञप्ति मार्फत सिनोफार्म संगे भिरोसेल खरीद खातिर समझौता भेल जानकारी करावल गेल ह। खोप के आपूर्ति असार 24 गते से साप्ताहिक रूप में होखे के जानकारी भी विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल बा। सरकार द्वारा इससे पहले भेल सहमति मुताबिक सिनोफार्म संगे 40 लाख डोज भिरोसेल लियाबे के समझौता भेल बा, हालांकि खरीद मूल्य के बारे में नहीं खुलावल गए। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के आसन 14वां महाधिवेशन खातिर क्रियाशील सदस्यता के मापदंड निर्धारण में शीर्ष नेता सबके बीच सहमति जुटल बा। सुक्के बैठल पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक में सहमति जुटल। नेता रमेश लेखक बतौले बानी महाधिवेशन कार्यतालिका मुताबिक क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति द्वारा केंद्रीय समिति के असार 20 गते भीतरे क्रियाशील सदस्यता के सूची बुझावे पड़े के समय रहे। अब शीर्ष नेता सबके बीच सहमति जुटल कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण में देखल गेल विवाद समाधान, मापदंड निर्धारण, समायोजन विवाद समाधान के काम द्रुत गति में आगे बढ़े के नेता जानकारी देले बानी। क्रियाशील सदस्यता को व्यवस्थापन र यसलाई अन्तिम रूप दिने सम्बन्धमा केही विषयहरुमा समान धारणा बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसका बारेमा नेताहरुका बीचमा समान धारणा बनेको छ र अब क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ, निरन्तर रूपले यो चलिरहेका छ। शीर्ष नेता सबके बीच में सहमति भैला संगे उपसभापति विजय कुमार गच्छदार आर राप्रपासे नेपाली कांग्रेस प्रवेश कैल सह महामंत्री सुनील बहादुर थापा समूह के भी क्रियाशील सदस्यता देवे के सहमति जुटल बाटे। राप्रपाबाट नेपाली कांग्रेसमा आएका नेता र कार्यकर्ताहरू र अन्य राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग नेपाली कांग्रेसमा आएका मानिसहरूको बारेमा पनि क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि नेताहरूका बीचमा सहमति भएको छ। धन्यवाद। क्रियाशील सदस्यता विवादमै मापदण्डमै सहमति जुटे नसक्ला बाद विभिन्न जिल्लाकै विवाद समाधान करेला समस्या होते आत रहे। काठमाडौँ के थली में टीपर उडिटला बाद दुजने के मृत्यु भेल बा। शनिचर के सवेरे 4 बजे ओर सांगू से आ रहल बा 5X25 नंबर के टीपर सड़क से 20 मीटर नीचे गिरला बाद रस्ता मुनि के झुपड़ी में सुतल दुजने के मृत्यु भेल हा। मृत्यु होके वाला में 53 वर्ष के साइला तामांग आ उनकर पत्नी 55 वर्ष के जयंती तामांग बाटे लोग। टीपर चालक 31 वर्ष के गोविंद खलान की प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। अब आर्थिक समाचार। कृषि पथ मोबाइल एप संचालन भेला बाद जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था द्वारा करीब 1 करोड़ बराबर के बकरी बिक्री वितरण कल गेल बा। एप के स्थानीय सरकार से भी प्रयोग करके प्रभावकारी बना के देहला पर बिचौलिया से छुटकारा मिले के किसान सबसे विश्वास लेहल गेल बा। बकरी पालन करे खातिर गांव में ही रहल जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था द्वारा बिक्री वितरण तथा बकरी सबके चाहे वाला दाना उपलब्ध करावते आ रहल बा। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ बांके शाखा से बीतल बरस से केयर कृषि पथ मोबाइल एप संचालन में लेलाबाद किसान सबके ही ना होके सहकारी सबके भी सहज भेल बा। एप के माध्यम से 1 करोड़ बराबर के बकरी बिक्री कल गेल। सहकारी के अध्यक्ष गणेश खत्री बतौले बानी राप्ती सुनारी दू बांके के गांव के कृषक सबसे बकरी पालन से निमन आमदानी करे लगला बाद विगत लंबा समय से रहते आयल दिल कुमारी शर्मा भी बकरी पालन शुरू कैले पड़ी। गांव के सहकारी द्वारा बकरी पालन में सहयोग करे वाला भेला बाद अभी वहाँ के आधुनिक तरीका के बकरी आ बकरी रखे वाला घर के निर्माण में लगाने गई बतौले बड़ी। राप्ती सुनारी दू माथिवास बांके राप्ती सुनारी के बहुत ही सहकारी संस्था सबसे कृषक संगे साझेदारी करके काम हो रहल बा। किसान सब उत्पादन कैल खाद्यान्न तथा बकरी मुर्गा लगात के उपज सब खरीद बिक्री आ वितरण
कर्तियार हल्बा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा संचालन कलगिल कृषिपथ मोबाइल ऐप के स्थानीय सरकार से भी प्रयोग करके प्रभावकारी बना देला पर किसान सबसे बिचौलिया से हमेशा खातिर छुटकारा मिल सकीत। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अफ्रीकन देश इथोपिया में भूखमरी के समस्या आ सके वाला चेतावनी दिहल गेल बा। लंबा समय से जारी आंतरिक द्वंद के चलते इथोपिया में भूखमरी फैल सके वाला कहत राष्ट्र संघ तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध करावेला जरूरी रहल दिखौले बाटे। पिछला समय 3 लाख से बेसी लैका लैकी कुपोषण के शिकार भइल कहत राष्ट्र संघ द्वारा ई आंकड़ा औरी बढ़ सके के दिखावल गेल हा। तिग्रे क्षेत्र में विद्रोही द्वारा आपन गतिविधि बढ़ेला संग ही 8 महीना के अवधि में करीब 2 लाख लोग भुखमरी में पड़ल राष्ट्र संघ जनौले बा। सरकार द्वारा बीतल सोमवार के एक पक्षीय रूप में युद्ध विराम के घोषणा कैला पर भी विद्रोही द्वारा आपन गतिविधि के जारी राखल बीबीसी जनौले बा। तिग्रे क्षेत्र में टाइगर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF आ सरकारी सेना बीच के द्वंद के चलते हजारों सर्वसाधारण मारल गेल बाड़न सन। वो युद्ध के चलते 20 लाख से बेसी सर्वसाधारण विस्थापित भइल बाटे लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शक्तिशाली साइबर हमला भइला बाद करीब 200 व्यवसाय सब प्रभावित भइल बा। साइबर सुरक्षा कंपनी हंटर्स लैब्स के मुताबिक हैकर सबसे मयामी में मुख्यालय रहल प्रविधि कंपनी कसिया के निशाना बनावल गेल रहे। रूस से उत्पत्ति भल फिरौती उठावे वाला साइबर हमलाकारी सबके समूह रिवील से ओ आक्रमण करावल हो सके के विश्वास कल गेल बीबीसी जनौले बा। इससे पहले ओ समूह द्वारा मास्क के पैकिंग करे वाला प्रणाली के ठप बनावल आरोप अमेरिकी अनुसंधान निकाय FBI लगौले रहे। स्वतंत्रता दिवस के सप्ताहांत में आपन व्यवसाय बंद करे खातिर अमेरिकी कंपनी सबसे तैयारी होत समय ई आक्रमण भइल जनावल गेल बा। अमेरिका के साइबर सुरक्षा पूर्वाधार एजेंसी द्वारा एक विज्ञप्ति में ओ हमला के संबोधन करेला कदम उठा रहल जनावल गेल बा। कसिया द्वारा आपन कॉर्पोरेट सर्वर डेस्कटॉप कंप्यूटर या नेटवर्क उपकरण संचालन करे वाला एक ऐप में हैकर सबसे पहुंच कायम कर गेल हो सके के जनावल गेल बा। छोट संख्या में कंपनी सब प्रभावित भइल बतेला पर भी हंटर्स लैब से ओ संख्या 200 पुग चुकल अब बढ़े के भी उल्लेख कल गेल बाटे। आप खेलकूद समाचार। यूरोकप फुटबल अंतर्गत आज रात के क्वार्टर फाइनल के दुगो खेल होखे वाला बा। पहिलका खेल में चेक रिपब्लिक आ डेनमार्क भिड़ी तो दूसर का खेल में यूक्रेन आ इंग्लैंड के बीच भिड़ंत होखी। चेक रिपब्लिक आ डेनमार्क बीच के खेल अजरबैजान के बाकू ओलंपिक स्टेडियम में होखी। खेल नेपाली समय मुताबिक रात के 9:45 से शुरू होखी। चेक रिपब्लिक आ डेनमार्क दोनों टीम जीत निकालत अंतिम चार की यात्रा तय करे के लक्ष्य में होखी। चेक रिपब्लिक द्वारा प्री क्वार्टर फाइनल में उपाधि दावेदार मानल गेल नेदरलैंड्स के हरावल गेल रहे। चेक रिपब्लिक से 10 खिलाड़ी में सीमित नेदरलैंड्स के ऊपर दुश्चुना गोल के जीत निकालल गेल रहे। डेनमार्क द्वारा भी प्री क्वार्टर फाइनल में वेल्स के बहुत ही अंतर से हरावल गेल रहे। 10 खिलाड़ी में सीमित वेल्स के 4 शून्य गोल अंतर से हरावत डेनमार्क अंतिम 8 के यात्रा तय कैले बा। इंग्लैंड और यूक्रेन बीच के अंतिम क्वार्टर फाइनल खेल इटली के रोम में होगी। स्टाडियो ओलंपिको में होखे वाला खेल रात 12:45 से शुरू होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। अविरल बरखा संग ही आयल बाढ़ आ भूस्खलन से देशभर के जनजीवन प्रभावित। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड एकतरफी संचालन। निकपा माने की केंद्रीय कमेटी बैठक आज फिर बैठल। बैठक अभी प्रधानमंत्री निवास बालुआ टार में बैठल। कोविड विरुद्ध के खूब खरीद खातिर चीनिया कंपनी सिनोफार्म संगे नेपाल सरकार के समझौता। असार 24 गति से खूब आपूर्ति होगी के जानकारी। अफ्रीकन देश इथोपिया में भूखमरी के समस्या आ सके के समय राष्ट्र संघ की चेतावनी। मानवीय सहायता उपलब्ध करावेला राष्ट्र संघ के जोर।
और यूरोकप में आज क्वार्टर फाइनल के अंतिम दुगो खेल, पहला खेल में चेक रिपब्लिक का डेनमार्क तो दूसरा का में यूक्रेन और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब YouTube, Twitter, Facebook हमने के वेबसाइट JanataTelevision.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।